कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष प्रजापति आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम लोग पॉइंट नंबर टू द ट्रू ब्यूटी के दोनों स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसकी मूल थीम को हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि क्या पोएट कहने का प्रयास किया था। वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि इन दिस पोएम द पोएट हैज टेक्स टू ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इज इमॉर्टल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इज इमॉर्टल। फिजिकल ब्यूटी डाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हाइल स्पिरिचुअल ब्यूटी डज नॉट डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इसको समझा जाए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी दैट द मेन थीम ऑफ दिस पोएम द ट्रू ब्यूटी। एक्चुअली द पोएट वांट्स अस टू लव स्पिरिचुअल ब्यूटी व्हिच इज इमॉर्टल। He also advises us not to run after physical beauty such as lips in rosy cheeks, red lips, bright eyes, because it dies as time passes. That is why in this poem the poet glorifies spiritual beauty and condemns mere physical beauty. Okay students, इतना समझ में? Now, we shall try to explain the first stanza of this poem. पहले हम देखते हैं रेफरेंस। हमने आपको बताया था कि रेफरेंस में पोएम का नाम और पोएट का नाम इन्हीं दोनों लोगों को लिखना रहता है, और ये आप लोग रटे भी होंगे। एक बार फिर वैसे मैं बोल देता हूं, पोएम का नाम द ट्रू ब्यूटी, पोएट का नाम थॉमस के। रेफरेंस में लिखोगे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस के। अब आइए कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में भी आपको मालूम हो चुका है ये फर्स्ट स्टैंजा फिजिकल ब्यूटी के विषय में है, जो नश्वर है, समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखे थोड़ा सा बदलने मन करें। इन दिस स्टैंजा या इन दिस ओपनिंग स्टैंजा द पोएट थॉमस केरे स्पीक्स ऑफ द शॉर्ट लाइफ ऑफ लव व्हिच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। In fact, physical beauty is mortal and it passes away with the passage of time. ये हो गया आपका context. Now, explain को देखते हैं। The poet Thomas Carey says that a man often loves a lady for her physical charm or physical beauty. He loves her because her cheeks are lovely like roses. He admires her because her lips are as red as the gems called coral. Or he is attracted by her eyes which are bright, deep, romantic like stars in the sky. His love depends on the charm and beauty of these mortal things. Mortal things means rosy cheek, coral lips, star-like eyes, etc. His love depends on the charm and beauty of these mortal life. In order to keep his love alive for his lady, he needs the physical beauty of his beloved. Without it,
ब्यूटी हिज लव कैन नॉट लास्ट बट इट इज अ फैक्ट दैट एज टाइम पासेस ए वूमन बिकम्स ओल्ड एंड हर फिजिकल ब्यूटी डिसअपीयर्स द रिजल्ट इज दैट हिज लव आल्सो डाइज बच्चों ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन और सेकंड स्टैंजा के विषय में हम लोग देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में पोएट हमको क्या समझाता है यद्यपि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सेकंड स्टैंजा में पोएट स्पिरिचुअल ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है जो अमर है जो कभी समय के साथ समाप्त नहीं होती लेकिन अकॉर्डिंग टू पोएट इसको समझा जाएगी क्या है रेफरेंस तो आप देख ही लोगे बना ही लोगे आओ कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इन द सेकंड स्टैंजा या इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट थॉमस केरे स्पीक्स ऑफ द परमानेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी आप इसे बना सकते हो कि द पोएट स्पीक्स ऑफ द पोएट स्पीक्स ऑफ द परमानेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी या दूसरे शब्दों में आप बना सकते हो कि इन दिस स्टैंजा द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी व्हिच इज इमॉर्टल एंड इट डज नॉट पास अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम तो कोई भी आप बना सकते हो इसके विषय में एक्सप्लेनेशन को देखा जाए स्टैंजा आपके सामने रहेगा और आपको बनाना है द पोएट हैज ऑलरेडी सेड दैट लव व्हिच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट नाउ ही टेल्स अस द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट लव फॉर ड्यूरेबल लव और फॉर परमानेंट लव दीज लव मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी माइंड दे मस्ट हैव टेंडर थॉट एंड कंट्रोल्ड डिजायर दे मस्ट हैव इक्वल लव फॉर ईच अदर वेयर दीज आर नॉट प्रेजेंट लव इज वेयर दीज आर प्रेजेंट लव इज परमानेंट एंड इट विल नेवर डाई बट वेयर दीज थिंग्स आर अब्सेंट व्हाट आर दीज थिंग्स स्मूथनेस स्टीडफास्ट माइंड जेंटल थॉट काम डिजायर एंड इक्वल लव बट वेयर दीज थिंग्स आर अब्सेंट लव कैन नॉट बी ट्रू एंड लास्टिंग वेयर दीज थिंग आर वांटिंग द पोएट हैज नो कंसिडरेशन फॉर द ब्यूटिफुल फेस ऑफ अ वूमन इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट लवली चीक्स लिप्स एंड आईज डू नॉट फॉलो ट्रू ब्यूटी डू नॉट मेक ट्रू ब्यूटी ट्रू ब्यूटी रिसाइड्स इन ए कॉन्स्टेंट माइंड टेंडर एंड प्योर थॉट एंड अनएक्साइटिंग डिजायर्स ओके स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए और इसका एक नोट से आप बनाने का प्रयास करिए ओके ऑल द स्टूडेंट्स गुड नाइट फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक आप स्वस्थ रहें खुश रहें घर पे रहें और अपने आप को कोरोना से दूर रखने का प्रयास करें गुड नाइट